गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल फैन। इंडस्ट्रियल फैन एक ऐसी मशीन है जिनका प्राथमिक कार्य किसी इमारत या संरचनाओं के विभिन्न हिस्सों में हवा या गैस का एक बड़ा प्रभाव प्रदान करना और उसको समायोजित करना है। फैन जो है हायर वॉल्यूम पे और लो प्रेशर पे गैस को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसमें कई ब्लेड को घुमाकर और हब और शाफ्ट से ये जुड़े होते हैं और मोटर या टरबाइन के द्वारा ये संचालित होते हैं। यांत्रिक फैन की प्रवाहधारा लगभग 5.7 मीटर क्यू से 57,000 मीटर क्यू होती है। फैन का निम्न यूज है कम्बर्शन में कराने में, वेंटिलेशन कराने में, एरिएशन, पार्टिकुलेट ट्रांसपोर्ट, एक्सॉस्ट कूलिंग, एयर क्लीनिंग और ड्राइंग में यूज करती है। इनका यूज इलेक्ट्रिकल पावर प्रोडक्शन, पॉल्यूशन कंट्रोल, सीमेंट प्रोडक्शन, मेटल मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग, पेट्रोकेमिकल, फूड प्रोसेसिंग, माइनिंग और रूम को साफ करने में होता है। फैन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फैन और एक्सियल फैन। सेंट्रीफ्यूगल फैन जब आपको हायर वॉल्यूम, हायर प्रेशर और फ्लो जब ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता तब यूज करते हैं, और एक्सियल फैन लार्ज वॉल्यूम पे रिक्वायर होता है तब एक्सियल फैन का यूज होता है। सेंट्रीफ्यूगल फैन में रोटर के मूव करने के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है और इसमें ब्लेड्स डिस्क के साथ राइट एंगल्स पे जुड़े होते हैं और मूवमेंट करने के कारण इनका प्रेशर बढ़ता है, मतलब ये एयर और गैस का प्रेशर को बढ़ा देते हैं। इसमें हब, डिस्क और ब्लेड्स जुड़े होते हैं जिसको फैन व्हील भी कहते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल फैन में इस शेप्ड फैन हाउसिंग होती है जिसके अंदर ये फैन व्हील होता है। इनलेट और आउटलेट डक्ट जो है फैनिंग हाउस में अटैच्ड होते हैं जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। और फैन व्हील का डायमीटर 3 सेंटीमीटर से 5 मीटर होता है। एक्सियल फैन क्या होता है, ये एक्सियल फोर्स के यहाँ पे एक्सियल फोर्स होने के कारण एयर और गैस का मूवमेंट होता है। एक केंद्रीय केंद्र को अपने बाहरी ब्यास से रेडियल रूप में फैले ब्लेड के साथ ये घूमता है। फैन व्हील के शाफ्ट और रोटेशन के अक्ष के समांतर द्रव को स्थानांतरित किया जाता है। इसमें समांतर स्थानांतरित करते हैं अच्छी है। फैन व्हील अक्सर बेलनाकार डर्ट भर के एक छोटे खंड के भीतर होता है। फैन व्हील जो है वो एक बेलनाकार डक्ट वर्क में होता है जिसमें इनलेट और आउटलेट डक्टिंग को जोड़ा जाता है। इनका डायमीटर 0.3 मीटर से 9 मीटर होता है। एक्सेस कूलिंग टावर में ये लगभग 25 मीटर तक हो सकता है। इनका यूज लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लो में कराते हैं। ये इनकी वर्किंग है, फिगर है सेंट्रीफ्यूगल फैन का। इसमें ये शाफ्ट लगा हुआ है, ये व्हील है और एयर को हम, ये हमारा हाउसिंग है बाहर की तरफ, इसको हम स्क्रॉल भी कहते हैं। एयर को हम एक एंड से इंटर कराते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होने के कारण इनका प्रेशर ये बढ़ जाता है और ये दूसरे एंड से डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसमें ये ब्लेड्स लगे हुए हैं, ये हब है और ये इनकी हाउसिंग है। इसमें एयर को इंटर कराते हैं तो एक्सियल फोर्स होने के कारण एयर जो है इनकी समांतर डिस्चार्ज होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था इंडस्ट्रियल फैन, और आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।